कोरोना के बीच यूएई में इंडियन प्रीमियर लीग का 13वां सीजन खेला जा रहा है। इसी बीच लोगों को वुमेन चैलेंजर सीरीज यानी मिनी आईपीएल का भी इंतजार है। आईपीएल के सीनियर अधिकारियों के हवाले से न्यूज एजेंसी ने बुधवार को बताया कि चैलेंजर सीरीज 4 से 9 नवंबर के बीच हो सकती है और इसके मैच शारजहां या दुबई में कराए जा सकते हैं। कोरोना की वजह से भारत में क्रिकेट नहीं हो रहा है। बोर्ड प्रेसिडेंट सौरव गांगुली भी 3 टीमों के टूर्नामेंट के आयोजन का जिक्र कर चुके हैं। अब यूएई में मौजूद एक सीनियर अधिकारी ने इसकी पुष्टि कर दी है। उन्होंने बताया कि टूर्नामेंट की तारीख फाइनल कर दी गई है, जिसमें 3 टीमों के बीच सिंगल राउंड रॉबिन लीग होगी। लीग का फाइनल 9 नवंबर को खेला जाएगा। सूत्रों के मुताबिक अगर हेल्थ से जुड़े नियमों में बदलाव नहीं किए गए तो टीमें अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में यूएई रवाना हो सकती हैं। उन्हें वहां 6 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाड़ियों का इसमें मौजूद रहना भी मुश्किल है, क्योंकि वे बिग बैश लीग के लिए पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी हैं। बिग बैश लीग और वुमेन चैलेंजर्स के शेड्यूल में टकराव की वजह ऐसी स्थिति बन रही है। वुमेन टी20 चैलेंज पहली बार 2018 में खेला गया था। तब एक ही मुकाबला हुआ था, जिसमें सुपरनोवास ने ट्रेल ब्लेजर्स को हराया था। 2019 में भी बीसीसीआई ने आईपीएल के दौरान महिलाओं की 3 टीमों के बीच 4 2020 मैच कराए थे। तब तीसरी टीम वेलोसिटी की एंट्री हुई थी। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।